वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम एलसीएम फाइंड करने का फर्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे। ये सिंपल मेथड है एलसीएम को फाइंड करने का। सो मेथड क्या है? एलसीएम बाय कॉमन मल्टीपल मेथड। सो आज हम कॉमन मल्टीपल मेथड के थ्रू डिफरेंट नंबर्स का एलसीएम फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कुछ नंबर्स होंगे जिनका हम इस मेथड के थ्रू एलसीएम फाइंड करेंगे। सो प्रॉब्लम फर्स्ट है हमारे पास, फाइंड एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 बाय यूजिंग कॉमन मल्टीपल मेथड। कि हमने 8 और 12 का एलसीएम निकालना है बाय द हेल्प ऑफ कॉमन मल्टीपल मेथड। सो मेथड क्या है हमारे पास कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जितने भी हमारे पास गिवन नंबर्स होंगे उनके मल्टीपल निकालने हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट हमारे पास 8 है, तो 8 के मल्टीपल निकालते हैं। सो 8 के मल्टीपल निकालने के लिए या तो हमें 8 का मल्टीप्लिकेशन टेबल आना चाहिए या फिर हम 8 को बार बार ऐड करेंगे और उसके थ्रू 8 के मल्टीपल फाइंड करेंगे। सो 8 का जो फर्स्ट मल्टीपल है हमारे पास 81 इज 8, और उसके बाद 8 के अंदर 8 जमा करेंगे तो क्या बनेगा? वो हमारे पास आएगा 16, और फिर उसके अंदर आप 8 जमा करें तो क्या आता है? 24 आता है, और इसके अंदर फिर आप 8 जमा करें तो क्या आता है? 32 आता है, और 32 के अंदर फिर 8 जमा करें तो 40 आता है, और 40 के अंदर फिर 8 जमा करें तो 48, और उसके बाद 48 के अंदर 8 जमा करें तो क्या आता है? 56, और उसके बाद 56 के अंदर आप अगर 8 जमा करें तो क्या आएगा? 64। सो इस तरह आप ऐड करते हुए 8 के मल्टीपल निकाल सकते हैं। सो हमने यहाँ पे 8 के फर्स्ट 10 मल्टीपल फाइंड कर लिए। सो इसी तरह हम इसके बाद 12 के भी कुछ मल्टीपल फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट मल्टीपल जो है 12 का वो क्या होगा? 12 ही होगा। उसके बाद 12 के अंदर आप 12 जमा करें तो क्या बनता है? 24 बनता है, और 24 के अंदर फिर आप 12 जमा करें तो 36 आता है, और उसके बाद फिर आप 12 जमा करें तो क्या आएगा? 48 आएगा। इस तरह आप जमा करते करते तो इसके फर्स्ट जो है 10 मल्टीपल फाइंड करेंगे, और उसके बाद 108, और उसके बाद 120। ठीक है, तो ये हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 8 हैं, और उसके बाद ये मल्टीपल्स ऑफ 12 हैं। सो ये हमने फर्स्ट 10 मल्टीपल्स फाइंड कर लिए हैं दोनों नंबर्स के। तो अब हमने कॉमन मल्टीपल मेथड के थ्रू इसका एलसीएम निकालना है। सो स्टूडेंट्स, हमने 8 और 12 के 10 मल्टीपल फाइंड कर लिए हैं, तो अब हमने क्या करना है? कॉमन मल्टीपल मेथड यूज़ करके इसका एलसीएम निकालना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इन दोनों मल्टीपल्स में कौन कौन से मल्टीपल जो हैं वो दोनों के कॉमन आ रहे हैं, यानी ऐसे मल्टीपल जो इधर भी हों और इधर भी हों। सो फर्स्ट मल्टीपल्स आप 8 में देखें तो 8 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, उसके बाद 16 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, और 24 यहाँ पर है और इस लाइन में भी है। तो फर्स्ट हमारा जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या आ गया? 24 आ गया। उसके बाद हम चेक करेंगे 32 यहाँ पे नहीं है, 40 यहाँ पे नहीं है, उसके बाद 48। सो 48 जो है यहाँ पे मौजूद है, तो ये भी क्या है? हमारा कॉमन मल्टीपल है 8 और 12 का। उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे, 56 यहाँ पे नहीं है, 64 यहाँ पे नहीं है, 72 जो है यहाँ पे मौजूद है, तो ये भी क्या है? कॉमन मल्टीपल है 8 और 12 का। उसके बाद आगे चेक करते जाएंगे और भी हमारे पास मल्टीपल्स आते जाएंगे। सो हमने निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम आप जानते हैं एलसीएम क्या होता है? एलसीएम जो है वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो हमने मल्टीपल्स भी फाइंड कर लिए और कॉमन मल्टीपल भी फाइंड कर लिए। सो उसके बाद जो लीस्ट है, लीस्ट मीन स्मॉलेस्ट। सो इन जो हमारे पास कॉमन मल्टीपल आए हैं इनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो 24 है, 24 है। सो इन दो नंबर्स का जो एलसीएम है वो क्या आएगा? 24 आएगा। सो वी कैन राइट दैट एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 इज इक्वल टू 24। सो ये हमारे पास कॉमन मल्टीपल मेथड के थ्रू हमने दो नंबर्स का एलसीएम फाइंड कर लिया है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है? फाइंड द एलसीएम ऑफ 4, 8 एंड 16
बाई यूजिंग कॉमन मल्टीपल मैथड। लास्ट प्रॉब्लम में हमने दो नंबर्स का एलसीएम फाइंड किया है बाई यूजिंग कॉमन मल्टीपल मैथड, और इस प्रॉब्लम में हम तीन नंबर्स का एलसीएम फाइंड करने जा रहे हैं। सो किस तरह से फाइंड करेंगे? मैथड बिल्कुल सेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी हमारे पास नंबर हैं उनके हम मल्टीपल फाइंड करेंगे और उसके बाद वहाँ से कॉमन मल्टीपल फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट हमारे पास है मल्टीपल्स ऑफ फोर, तो पहले हम क्या करेंगे, फोर के मल्टीपल फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फोर के मल्टीपल हैं, फर्स्ट मल्टीपल फोर का जो है वो फोर ही है, उसके बाद फोर के अंदर फोर जमा करें, एट आ जाएगा, फिर ट्वेल्व, उसके बाद सिक्सटीन आ जाएगा, उसके बाद ट्वेंटी, ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी एट, थर्टी टू, थर्टी सिक्स एंड फोर्टी। सो ये हमारे पास फोर के फर्स्ट टेन मल्टीपल आ गए। नेक्स्ट उसके बाद एट के मल्टीपल्स हैं, सो एट के मल्टीपल्स फाइंड करते हैं। फर्स्ट मल्टीपल एट का जो एट ही होगा, उसके बाद एट के अंदर एट जमा करेंगे सिक्सटीन, और सिक्सटीन के बाद एट जमा करें ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर के अंदर एट जमा करें थर्टी टू आता है। इस तरह आप चलते चलते एट जमा करते जाएं तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, एट के फर्स्ट जो है टेन मल्टीपल्स आ जाएंगे। सो ये हमारे पास एट के फर्स्ट टेन मल्टीपल आ गए। उसके बाद नेक्स्ट, सो अब हमने लास्ट पे 16 के मल्टीपल फाइंड करने हैं। सो 16 का जो फर्स्ट मल्टीपल होगा वो क्या होगा, 16 ही होगा। उसके बाद सेकंड 32 होगा, और उसके बाद ये 32 के अंदर हम क्या जमा करेंगे, 16 जमा करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 48, और फिर 48 के अंदर हम क्या जमा करेंगे, 16 ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 64, और 80 के अंदर फिर हम 16 जमा करेंगे, सो 96 आ जाएगा। उसके बाद इस तरह जमा करते जाएं 112, इसके बाद फिर आप 16 जमा करेंगे 128 और 144, और उसके बाद लास्ट पे जो टेंथ मल्टीपल आएगा हमारे पास वो क्या होगा, 160। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 4, 8 और 16 के मल्टीपल आ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो क्या है, हमने अगेन इन सब में से कॉमन मल्टीपल फाइंड करने हैं। सो अब हमने ऐसे नंबर्स, ऐसे मल्टीपल फाइंड करने हैं जो सब के अंदर मौजूद हों। सो हम देखते हैं कि फोर जो है यहाँ पे फर्स्ट में है लेकिन इन दोनों के अंदर नहीं है, तो फोर हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। उसके बाद एट यहाँ पे है लेकिन इसके अंदर नहीं है, तो हम इसको कॉमन नहीं ले सकते। उसके बाद ट्वेल्व है, ट्वेल्व यहाँ पे है लेकिन इन दोनों के अंदर मौजूद नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास सिक्सटीन है, सिक्सटीन यहाँ पे है और यहाँ पे भी मौजूद है, तो क्या आ जाएगा, 16 हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा 4, 8 और 16 का। उसके बाद नेक्स्ट 20, 20 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, सो 24 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है। उसके बाद 28 है, 28 यहाँ पे है लेकिन इनके अंदर नहीं है। 32 यहाँ पे है और यहाँ पे भी मौजूद है, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 32 भी इसका कॉमन मल्टीपल बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, इस तरह हम जो है इसके मल्टीपल फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास तीन मल्टीपल आ चुके हैं, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल जो हमारे पास 16 है, उसके बाद सेकंड 32 और थर्ड वन इज 48। सो सिमिलर मेथड है, इसी तरह जब हम आगे चलते जाएंगे तो हमारे पास और कॉमन मल्टीपल भी आते जाएंगे। सो हमने चूँकि स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है, तो हम इस प्रोसेस को ज़रा शॉर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास आंसर जो है पहले ही आ चुका है, 16 हमारे पास आ चुका है। तो ये हमने सिर्फ कंसेप्ट हासिल करने के लिए आगे हमने सॉल्व किया है, क्योंकि हमारा आंसर जो है एलसीएम के अंदर वो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है। सो हमने अगर चाहें तो हम यहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं। सो यहाँ से हमने क्या रिजल्ट निकाला कि एलसीएम ऑफ 4, 8 एंड 16 इज 16। सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया इसका, 16 आ गया। सो स्टूडेंट्स आज हमने एलसीएम को फाइंड करने का सिंपलेस्ट मेथड जो है कॉमन मल्टीपल मेथड वो डिस्कस किया है। आई होप सो यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।